हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैसल सिद्दीकी, आप देख रहे हो वेल्डिंग ऑल टिप्स। तो आज मैं आपको वेल्डिंग हैंड स्क्रीन और वेल्डिंग हेलमेट के बारे में बताने वाला हूं और वेल्डिंग हैंड स्क्रीन और वेल्डिंग हेलमेट का यूज कहां पर किया जाता है उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। आर्क वेल्डिंग के दौरान आर्क में से निकलने वाली विकिरण यानी के आर्क रेडिएशन से अपनी आंखों और चेहरे की सेफ्टी के लिए वेल्डिंग हैंड स्क्रीन और वेल्डिंग हेलमेट का यूज किया जाता है। जो वेल्डिंग हैंड स्क्रीन होती है उसे हाथों से पकड़ा जाता है, इसलिए इसे वेल्डिंग हैंड स्क्रीन कहा जाता है। वेल्डिंग हैंड स्क्रीन को कलाइयों से, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, उसे कलाइयों से आगे पीछे किया जाता है। वेल्डिंग हैंड स्क्रीन का यूज डाउन हैंड पोजीशन में वेल्ड करने के लिए यानी के फ्लैट पोजीशन में वेल्ड करने के लिए वेल्डिंग हैंड स्क्रीन का यूज किया जाता है। वेल्डिंग हेलमेट को सर पर पहना जाता है, इसलिए इसे वेल्डिंग हेलमेट कहा जाता है। वेल्डिंग हेलमेट का यूज डाउन एंड पोजीशन यानी के फ्लैट पोजीशन में वेल्ड करने के लिए और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में वेल्ड करने के लिए, वर्टिकल पोजीशन में वेल्ड करने के लिए और ओवरहेड पोजीशन में वेल्ड करने के लिए वेल्डिंग हेलमेट का यूज किया जाता है, यानी कि ऑल पोजीशन में वेल्ड करने के लिए वेल्डिंग हेलमेट का यूज किया जाता है। और वेल्डिंग हैंड स्क्रीन का यूज डाउन हैंड पोजीशन में ही किया जाता है और वेल्डिंग हेलमेट का यूज ऑल पोजीशन में किया जाता है, इसलिए दोनों में से सबसे बेटर वेल्डिंग हेलमेट होता है। क्योंकि वेल्डिंग हेलमेट में सर पर पहनने के बाद दोनों हाथ अपने फ्री रहते हैं और वेल्डिंग हैंड स्क्रीन में वेल्डिंग करते समय हाथ फ्री नहीं रहता है, क्योंकि एक में इलेक्ट्रिक होल्डर होता है और दूसरे में हैंड स्क्रीन होता है। जबकि वेल्डिंग हेलमेट में वेल्डिंग करते समय एक में इलेक्ट्रिक होल्डर होता है और दूसरा हाथ फ्री रहता है, इसलिए दोनों में से हेलमेट बेटर होता है। वेल्डिंग हैंड स्क्रीन और वेल्डिंग हेलमेट को इंसुलेटेड बनाए जाते हैं, इसमें से आर्क रेडिएशन पास नहीं हो सकती है। वेल्डिंग हैंड स्क्रीन और वेल्डिंग हेलमेट में दो प्रकार के कांच का यूज किया जाता है। एक होता है वाइट कांच, जो ग्लास होता है उसको क्लियर ग्लास कहा जाता है, और जो ब्लैक कांच होता है यानी के ब्लैक ग्लास होता है उसे फिल्टर ग्लास कहा जाता है। फिल्टर ग्लास यानी के आर्क में से निकलने वाली आर्क रेडिएशन को फिल्टर करके अपनी आंखों तक पहुंचाता है, और जो क्लियर ग्लास होते हैं वो फिल्टर ग्लास के यानी के ब्लैक जो ग्लास होता है उसके ऊपर और नीचे, जैसे कि आप यहां देख सकते हो, ऊपर यहां पर वाइट ग्लास है, फिर ब्लैक और फिर वाइट, इस तरह रख कर हैंड स्क्रीन और हेलमेट में फिट किया जाता है। जो क्लियर ग्लास यानी कि जो वाइट ग्लास होते हैं वो इसलिए रखा जाता है ताकि ब्लैक कांच को स्पेटर यानी कि चितराव से बचा सके। जो ब्लैक कांच होते हैं उसे विभिन्न शेडो में बनाया जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते होंगे, यहाँ पर 11 नंबर यानी कि 11 सेट नंबर दिए हुए हैं। जो फिल्टर ग्लास होता है यानी कि ब्लैक जो कांच होता है उसका जो सेट नंबर 8 और 9, उसका यूज 100 एम्पीयर तक वेल्ड करने के लिए सेट नंबर 8 और 9 का यूज किया जाता है।
शेड नंबर यानी के ग्लास के ये नंबर होते हैं। शेड नंबर 10 से 11 यानी के फिल्टर ग्लास के शेड नंबर 10 से 11 का यूज 100 एम्पियर से लेके 300 एम्पियर तक वेल्ड करने के लिए फिल्टर ग्लास का यूज किया जाता है। शेड नंबर 12 से 14 का यूज 300 एम्पियर से ज्यादा करंट रेंज में वेल्ड करने के लिए फिल्टर ग्लास का यूज किया जाता है। शेड नंबर यानी के जो ब्लैक कांच होता है उसके ऊपर नंबर दिए होते हैं उसे शेड नंबर कहते हैं। शेड नंबर के आधार से कांच का यूज करके वेल्डिंग करंट उस रेंज में रख के फिल्टर ग्लास का यूज किया जाता है। कि वेल्डिंग हैंड स्क्रीन को वेल्डिंग करते समय कलाई का यूज करके आगे और पीछे की ओर लाया जाता है और वेल्डिंग हेलमेट को सर पे पहनकर यहाँ पर इसकी सेटिंग दी हुई है, यहाँ से टाइट और लूज कर सकते हैं। वेल्डिंग हेलमेट को सर पर पहनकर और इस तरह सर पर पहनकर जब अपने वेल्डिंग करते हैं तब इसका यूज इस तरह किया जाता है। एक बार फिर से आपको बता रहा हूं, इस तरह हेलमेट का यूज किया जाता है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और दोस्तों में शेयर कर दे। अगर मेरी चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताना और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरा हर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।